आदिवासी परिवारों को नहीं मिले थे पीएम जनमन आवास। जिला पंचायत अध्यक्ष गुड़ीबाई ने कलेक्टर से कहकर जुड़वाया नाम। खबर श्योपुर से है, जहां वीरपुर तहसील क्षेत्र की बेचाई पंचायत में सरपुरा ग्राम के 50 से 60 आदिवासी परिवारों को रोजगार सहायक की लापरवाही से प्रधानमंत्री जनमन आवास नहीं मिल पा रहे थे। जब इसकी शिकायत लेकर मंगलवार की सुबह ये परिवार ट्रैक्टर ट्रॉली से श्योपुर पहुंचा, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष गुड़ीबाई और पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी से मिले। इसके बाद समस्या सुनी तो गुड़ीबाई इनको लेकर कलेक्टर जांगिड़ से मिले, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत बेचाई पंचायत सचिव को फोन लगाकर आवास की सूची मांगी और सचिव को सख्त निर्देश दिए हैं कि आज इन आदिवासी परिवारों के नाम पीएम जनमन आवास में जोड़ा जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डीबाई ने श्योपुर आए इन लोगों के खर्चों के लिए कुछ रुपए भी दिए। आपको बता दें कि आज भी इस पंचायत में आमजन को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। आज भी ग्रामीण बिजली पानी सड़क की समस्याओं से जूझ रहे हैं। श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पंचायत से आदिवासी है, 50-60 लोग आए, कुछ महिला भी आई है। कलेक्टर साहब ने इनकी शुरू से ही कॉलोनी ऑनलाइन नहीं करी, सरपंच सेक्रेटरी ने। रोजगार की गलती है, सेक्रेटरी की गलती है, इनका नाम ही नहीं जुड़ा। कॉलोनी एक के भी नहीं आई आवास। इतने विश्वास दिया मैं सबकी जोड़ दूंगा कॉलोनी, एक भी बाकी नहीं रहेगा। आदिवासी जितने भी शहरिया समाज से है पूरे जिला की जोड़ूंगा मैं, एक एक आदिवासी है इनके। नहीं, कलेक्टर साहब ने बोली मैं आबादी में पट्टा देंगे बेकायदे, जो आबादी की जगह है सास की उसी में मैं पट्टा देकर कॉलोनी बनवा दूंगा।